हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो सभी क्रिकेटर्स के लिए, आप बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्या होता है, फील्डिंग। बैटिंग बॉलिंग गाइस बाद में आती है, सबसे पहले फील्डिंग आती है। कैप्टन ओवर आपको कब देंगे, जब आप अच्छी फील्डिंग करोगे। अगर पहले ही ओवर में आप दो तीन चौके छोड़ दोगे, कैच छोड़ दोगे, तो आपको बाहर बैठा देंगे आपके कैप्टन भी। अगर बैटिंग में आपकी बैटिंग है कि बैटिंग, तो आप करके चले जाओगे। अगर फील्डिंग आप अच्छी नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली है, जो मैंने भी अपने स्टार्टिंग के करियर में बहुत ज़्यादा इसको झेला है। तो अगर आपको अच्छा फील्डर बनना है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो मैंने पिछले अपने 3 से 4 साल में देखा कि फील्डिंग है क्या, फील्डिंग होगी कैसे। और आपको अगर आप स्टार्टिंग में खेल रहे हो तो आपको बहुत डर लगता होगा जब भी बॉल आपके पास आएगी, और बड़े टूर्नामेंट में जहाँ पब्लिक होगी वहाँ पे तो आप कांपने लगोगे। कभी आगे से छोड़ दो, कभी पीछे से, आपके साथ होता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टैकल कर सकते हो और कैसे आप एक अच्छा फील्डर बन सकते हो। छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बेसिक बातें, पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो मैंने अब तक अपनी अपने करियर में देखा है फील्डिंग के दौरान। तो गाइज, आज का लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक का। जो पिछला लाइक का टारगेट था वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, उसमें 100-200 लाइक बचे हुए हैं, तो ये वाला तो मुझे कंप्लीट चाहिए 1500 लाइक। तो करा दोगे मुझे पता है, जिसमें मैं बोलता हूँ आप करा देते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। फील्डिंग के मैं आपको 4 टिप्स दूंगा, और चारों ध्यान से सुनना। इन चारों टिप्स के बाद आपकी फील्डिंग चेंज होने वाली है, इसकी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ पहले वीडियो से पहले। तो चारों ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फील्डिंग भी एक पार्ट होता है, जैसे हमारी बैटिंग होती है जैसे हमारी बॉलिंग होती है, तो फील्डिंग भी एक पार्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा। बिगिनर सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, वो फील्डिंग को अपनी प्रैक्टिस में रखते ही नहीं है, वो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, सोचते हैं फील्डिंग कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है। तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको फील्डिंग स्टार्ट करना है। आप जब भी ग्राउंड जाते हो, आपने वार्म अप किया, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ग्रुप में प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो आप अकेले हो, तो आधा घंटा आप फील्डिंग को जरूर देना है। अगर आप फील्डिंग नहीं करोगे और मैच में फील्डिंग छूट गया, कैच छूट गया, तो उस टाइम ही लगा कि जमीन के अंदर घुस जाए, मतलब कि कोई हमें देखना ले, ऐसा लगता है। मेरे साथ खुद ऐसा बहुत बार हुआ। तो फील्डिंग आपको करनी है, ज़रूर करनी है प्रैक्टिस। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टिप्स के बारे में, जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है अगर आपको फील्डर बनना है। सबसे पहली टिप्स मैं आपको बता दूँ, हमारे पास बॉल आती है, हम कहीं पर फील्डिंग करते हैं, जैसे ये बॉल आ रही है हमारे पास, तो हमें डर लगने लगता है, मतलब घबराहट फील होने लगती है। अगर सर्कल में आप कर रहे हो, किसी ने बैट्समैन ने तेज शॉट खेला, तो उस टाइम डर पूरा लगता है कि बॉल छूट ना जाए, क्या होगा। तो ये डर ही सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप अंदर फील्डिंग कर रहे हो, कहीं पे भी फील्डिंग कर रहे हो, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए बॉल मेरे से छूटने वाली है। अगर आप ऐसा फील करोगे तो गारंटेड वो बॉल छूटेगा, क्योंकि जितना हमारी हार्ट बीट तेज होगी, जितना हम नर्वस फील करेंगे, तो गारंटेड बॉल छूटने वाला है। तो हमेशा आपको ये देखना है। और एक ये भी रहता है, स्टार्टिंग में मेरे से कह रहा था, जब मैं फील्डिंग करता था तो मन में कि मेरे पास बॉल मत है, किसी के भी पास आ जाए, पर मेरे पास मत है, डर लगता था। तो यही नहीं सोचना है। अब मैंने पूरा शिफ्ट कर लिया, अब मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा बॉल मेरे पास आए। तो आपको क्या करना है, अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो सोचो, हर बॉल पर आप रेडी रहो कि बॉल मेरे पास आने वाला है, इसको मैं पकड़ूंगा। हर बॉल पर आप चाहे 30 ओवर का मैच खेल रहे हो, चाहे 20 ओवर का, चाहे 15 ओवर का, हर बॉल को आपको ऐसे ही सोचना है। उससे क्या होगा, आप एक्टिव फील करोगे, आपको पता रहेगा मेरे पास आने वाली, मैं तैयार हूँ, बॉल को अच्छे से देखोगे, बैट्समैन को अच्छे से देखोगे, फिर आएगी तो तैयार होगा, पकड़ लोगे। अगर आप सोच रहे नहीं मेरे पे बॉल ना आए यार, उधर चली जाए, तो वो आपके पास आएगी तो वो 100% छूटेगी। फील्डिंग का सीधा सा तरीका है, हर बॉल को सोचना है आपके पास आएगी। अब पकड़ने का तरीका बता दूं, अगर आप सर्कल में हो या सर्कल से बाहर हो, सबसे पहले अगर सर्कल के अंदर आप खड़े हो, तो आपको अटैकिंग फील्डिंग करनी है, सिंगल काटने हैं, सबसे पहले माइंड में ये रखना है। अगर सिंगल ले भी लिए तो फील्डिंग अटैकिंग होनी चाहिए, यानी कि आप सर्कल में इजी खड़े हो आराम से, नहीं, सबसे पहले तो अगर आप सर्कल में खड़े हो, अगर आप 30 यार्ड के बीच से आगे से खड़े हो, तो आपको स्टार्ट नहीं लेना, मतलब जैसे स्लिप हो गया हमारा, ऊपर कवर्स ऊपर से हो गया, तो वहाँ पे आपको स्टार्ट नहीं। अगर पीछे खड़े हो, सर्कल में पीछे खड़े हो, तो आपको स्टार्ट लेना है, ये ध्यान रखना है। स्टार्ट आपने ले लिया, स्टार्ट लेना कैसे है, बिल्कुल डीप बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना है इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। स्टार्ट लेना कैसे, बॉलर आपका रनअप पे चला, बॉलर जंप लेने वाला है, तो उस टाइम आपको रेडी रहना है, छोटे छोटे कदम, यानी कि बड़े कदम रख रहे हो, छोटे कदम, बॉडी थोड़ी झुकी हुई जैसे मेरी देख सकते हो। तो जब आप बॉल पकड़ोगे, जैसे हम भाग के आए, हमने स्टार्ट लिया सर्कल में, तो हम एक तो ऐसे पकड़ सकते हैं, ये हमने पकड़ लिया, एल शेप हो गया, एक हो गया हमारा 1 हैंड पिकअप। उसमें क्या हो गया, जैसे बॉल आई, हमने 1 हैंड से पिक किया और अपना अंडरआर्म दे दिया। और इसमें ध्यान रखना है, आपको ऊपर से थ्रो नहीं करना है जब आप सर्कल में हो, या तो साइड ऑन जाना है या अंडरआर्म जाना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से करोगे तो रनआउट नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, या तो उठा के साइड ऑन, या आपको अपना अंडरआर्म कीपर के पास करना है, या अपना बॉलिंग एंड करना है, ये ध्यान रखना है। अब बारी आती है गाइस, अगर आप सर्कल के बाहर फील्डिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वही अपना टारगेट रखना है कि तेज भागना है, बॉल के पास पहुंचना है। उसके बाद दो तरीके से बॉल पकड़ सकते हो। सबसे पहले तो हम अपना बैरियर, आप देखते होंगे जैसे बैरियर बनाते हैं सब, ये हमारा बैरियर हो गया, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बैरियर है, ये बनाना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, ये सेफ फील्डिंग है, आप आराम से बॉल रोक सकते हो बाउंड्री तक जाने से पहले। एक क्या हो गया, जैसे उबड़ खाबड़ ग्राउंड होते हैं बैरियर में, क्या है नुकसान, हम जैसे बैठ गए यहाँ पे, हम बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे लग के उठ गई ना, वो चली जाएगी, वो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप बैठे रह जाओगे।
एक होता है हमारा, ये दोनों पैर हमने क्लोज कर लिए, बॉल आ रही है, ये दोनों पैर हमारे क्लोज हो गए जैसे, तो आप पकड़ सकते हो। इससे क्या हो गया, बॉल लग के जाएगी तो आप यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। एक ये होता है जैसे जैसे आप टेनिस के ग्राउंड में खेलते हो या आप उबड़ खाबड़ ग्राउंड में खेलते हो, तो आप ऐसे पकड़ सकते हो, दोनों पैर क्लोज करके बॉल के पास जा सकते हो, फिर आराम से हाथ में बॉल आपके आएगी। और बाउंड्री से थ्रो आप कैसे करोगे, एक तो आपको थ्रो क्रॉस सीम करना है, सीम से थ्रो नहीं करना, चाहे ऊपर हो चाहे पीछे हो, क्रॉस सीम करना है, क्योंकि कीपर के पास जब जाएगी तो सीधा जाना चाहिए। सीम से करोगे तो नई बॉल बहुत बार मैंने भी देखा ऐसे लहर के जाती है, तो क्रॉस सीम करना है। साथ में जब भी आप थ्रो करोगे तो साइड ऑन मैं बोल रहा हूँ बाउंड्री से मत करो, आप सीधे हाथ से करो। जैसे हमने बॉल पकड़ा अपना, ये वाले हाथ से टारगेट सेट किया और पीछे से थ्रो किया, उससे क्या होगा सीधा कीपर के पास जाएगा, रन आउट होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे और तेज थ्रो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री दूर होती है। साइड ऑन करोगे हाथ में झटकाने का बहुत ज़्यादा वो रहता है और अंडरआर्म जाएगी नहीं, तो आप कान के पास से करो और तेज करो। तो फील्डिंग की ये छोटी छोटी बारीकियाँ जो मैंने आपको बताया, जो मुझे लगती है, जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, आप भी अपनी फील्डिंग में इंप्लीमेंट करो। अच्छा फील्डर बनोगे जब भी टीम मैन बनोगे और जब भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। देख सकते हो जो भी आज बड़े प्लेयर हैं सब अच्छे फील्डर हैं, एक भी मुझे ऐसा बता दो जो बड़ा प्लेयर और अच्छा फील्डर नहीं है, सब है। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा फील्डिंग इंप्रूव करने के लिए। और जो टारगेट मैंने आपको दिया था 1500 लाइक का, वो मुझे अचीव इस वीडियो में चाहिए, वो आप करा दोगे। और इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है क्रिकेटर विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।